देखिए ये मैंने 200 ग्राम मैदा लिए। अब इसमें हम डालेंगे घी, शुद्ध घी। तो आपको ऐसे डालना है, घी ना तो ज़्यादा एकदम पतला हो गर्म हो और ना ही एकदम से गाढ़ा हो। ये देखिए आप देख सकते हैं ऐसा घी होना चाहिए। और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें से, बहुत अच्छे से। देखिए हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है। आटा का सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि उस अगर आटा आपका अच्छे से लगा है तो गुजिया बहुत सॉफ्ट बनती है एकदम से। तो देखिए इसमें हम घी और थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। घी ऐड करते जाएंगे और इसको हम आटे को लगाते जाएंगे अच्छे से, दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो देखिए अब हमारे आटा हाथे को लड्डू से बनने लगे हैं। तो हमारा भी आटा रेडी है। थोड़ा सा घी मिला के अच्छे से मिक्स कर लें और इसको तैयार करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि पानी को कैसे ऐड करना है। आप देख सकते हैं हाथों में अच्छे से लड्डू बनने लगा है। घी को साइड में कर देते हैं, पानी ऐड करते हैं। देखिए चम्मच से हम पानी डाल रहे हैं। पानी को बिल्कुल हमें थोड़ा थोड़ा लेना है, मिक्स करना है और इसको हम अच्छे से आटा सेट कर लेंगे। आटे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, एकदम मीडियम साइज़ का हो। अच्छे से लगा ले, देख सकते हैं जितनी ज़रूरत पड़ता जाए उतना आप इसमें पानी ऐड करते जाएँ। तो ये देखिए आटा मेरा लगने वाला है। इसमें मेरा आधी कटोरी से ज़्यादा पानी लग चुका है। अब इसको ऐसे रख देना है पूरा अच्छे से गूंथ के। और इसको आटे को अभी यूज नहीं करना है, इसको हमें ढक के रखना है। अब देखिए पूरा इतने अच्छे से साफ करें कि आपकी प्लेट भी साफ़ हो जाए और अच्छे से लगा लें। बीच में रख दें और एक बड़े कटोरी से इसको ढक दें 30 से 40 मिनट के लिए। देखते हैं जब इसको हो जाएगा तो कैसे सेट होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ देखिए 3 चीज़ें ली हैं, काजू, बादाम और किशमिश। हम इन दोनों को भूनेंगे और ड्राई फ्रूट को हमेशा पूरा पूरा भूनें, काट के मत भूनें, क्योंकि फिर ये घी को भी हमारा ख़राब कर देते हैं और वो बेकार भी हो जाते हैं। किशमिश भी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ भूनने के लिए। मैं सादा डालूंगी किशमिश और थोड़ा सा फिर सिर्फ आपको भून के दिखा रही हूँ भूनने पर कैसा दिखता है, कैसे बनता है। बस ताकि आप सादा डालें तो ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन में आपको जैसा पसंद है वैसा आप कर सकते हैं। उसको हमको बेलन से हल्के हाथों से इनको क्रिस्पी कर देना है, इसीलिए पहले हमने नहीं काटा था। देखते हैं कितने अच्छे से हो गया है, एकदम से बिल्कुल बारीक हो गया, जितना हमको उतर उतर चाहिए होता था। इसका जो पाउडर है ना, इसकी वजह से हमारा ऑयल बेकार हो रहा था, इसलिए देखिए मेरा ये खोबा ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे है। अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। इसमें एक बुरादा ऐड कर देंगे, हमने तो उसको भूनना नहीं है, ऐसे ही डालना है। और इसके बाद अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना एकदम से। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा, जो डालते हैं भुजिया में कसार बोलते हैं इसको। तो देखिए कितना अच्छा एकदम भुरभुरा बन रहा है, डालने में अच्छा लगेगा, हमारी भुजिया भी नहीं फटेगी। दोनों हाथों से हम इसे अच्छे से मिला लें, बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लें। देख सकते हैं आप कितना अच्छा बन गया है हमारा कसार। इलायची पाउडर, भुजिया बनाया इलायची पाउडर ऐड ना करें, ऐसा हो सकता है भला? ओके, मिक्स कर देना और हमें इसको ढक देना है। तो चलिए गाइस अब हम अपने आटे को चेक करते हैं, देखते हैं कैसा है। देखिए देखिए कितना अच्छा हो गया, अब ढक देना है। बहुत ही अच्छा लग गया है आटा। देखिए सारा काम भी हो गया। सबसे पहले आपको आटा लगा देना है और देखिए पहले कैसे था और ऐसे देखिए देखने देखा आपको कितना अच्छा लगा। एकदम से जरा से भी उसमें कुछ भी नहीं है कि रोली हो या कुछ हो, दाना सा हो, एकदम सॉफ्ट। आपको क्या करना है, तो पहले तो आपको इसको आधा ऐसे कर लेना है। अब आपको इसको ऐसे रोल कर लेना है आप हाथ से, या तो आप नाइफ की सहायता से ऐसे कर लेना है।
जिन्हें आता है वो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी जैसे इसको बोलते हैं पेड़ा बना के रख दो, ठीक है ना। इसको तो आपको ऐसे बेल ही लेना है, इसमें आपको आटे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऐसा बेल फिर उठा के पलटते हैं, फिर उठाएं फिर उसको ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे करके आपको बेल लेना है। पूरी आपको जितनी गुजिया बनाने का सांचा होता है उतनी बड़ी बना लें, उससे छोटी ना हो बड़ी ही हो, तो आप देख सकते हैं। मैदा है तो ये चपकती नहीं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे से घी डाला है। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रख देती हूँ, और देखिए जैसे मैंने चाकू से काटा था, आपको सिर्फ ऐसे इसको दबा देना है, ठीक है, ऐसे कर देना है, ठीक है। बन रहा है ना, ऐसे ही आपको सारी बना लेना है। और जिनको बिल्कुल भी बेलना नहीं आता है उनके लिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो आप अपना ये पेड़ा लीजिए जो आपने नाइफ से काटा था, ठीक है, इसको ऐसे दबाइए, इसको ऐसे बेल लीजिए। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा किसी भी शेप में बना लीजिए, आप चाहे भारत का नक्शा ही क्यों ना बना लें वो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है देखिए, मैं बना के सादा बता दे रही हूँ। हालांकि जब घर में सब लोग बैठे होते तो इतनी बेकार नहीं बेलनी होती है, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं उनके लिए है। देखा आपने, लेनी है उसको ऐसे कट कर देना है, आपकी ये रेडी होगी ना पूरी। अब आपको हम भरना बताते हैं, देखिए भुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें सिर्फ एक बार आटा लगा लेना है, और देखिए मैंने पूरी बेल ली है, इसको इसके ऊपर रखेंगे, एकदम अच्छे से रखना है। अब इसमें हम पानी लगाएंगे, सादा पानी लगा लेना है, कुछ नहीं करना है उसमें। अब इसको हल्का सा ऐसे करेंगे, ठीक है सांचे को, और इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे। देखिए ऐसे दबा देना है और उसको अच्छे से बंद कर देना है, और इसका ये हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी गुजिया रेडी, इसको रख देते हैं। अब मैं दूसरी गुजिया बताती हूँ, देखिए जो मैंने आपको कटोरी से काट के दिखाई थी ना पूरी, तो उसको देखो दिखाते हैं। अगर आपके पास ये सांचा नहीं बनाने वाला तो आपको क्या करना है, इसमें आपको चारों तरफ पानी लगा लेना है, ठीक है, लगा लिया। अब इसी में हम ऐसे उंगली से ऐसे हल्का सा कट्टा करके थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे, देख सकते हैं। और इसको हमें ऐसे रख के, जब पेस्ट नीचे रखें तो आपकी उंगली में चिपकेगा नहीं, है दबा देना है, बहुत अच्छे से दबाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है कांटा और ऐसे ऐसे दबा देना है, देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइन बन गई। देखिए भी दिखाते हैं, देखिए बन गई ना एकदम से अच्छी। आप पीछे से भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी आराम से ये बंद हो जाती है, इसको भी साइड से रख देते हैं। और एक तरीके से हम आपको बात बताते हैं कैसे बनाना है। तो आपको ऐसे डालना है पूरी, ठीक है, आपको लगाना है पानी, देखिए इसको आपको क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे दबाएं, इसको मारें, इसको दबाएं, ऐसे 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 ऐसे, ये भी रेडी हो गया। ऐसे कई तरीके हैं आप ऐसे बना सकते हैं। अब बाकी की मैं रेडी कर ली थी, फिर सेक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखो एकदम से गर्म हो गया ऑयल, वही देखिए मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, ठीक है ना। अब इनको एक एक करके डालते हैं। गुजिया को कभी एक दो ना सेकिए कढ़ाई में, ज़्यादा से ज़्यादा गुजिया डालनी है कढ़ाई में, चेक करते जाएँ कि कहीं हमारी गुजिया फटी हुई तो नहीं है, चेक कर करके आप डालें। देख सकते हैं अब इनको होने देते हैं थोड़ी, दो मिनट बाद फिर इनको पलटेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। और हाँ, गुजिया की एक बात और होती है कि गुजिया अपनी मन मर्जी की होती है, तो जल्दी से नहीं पलटती है दूसरी साइड। तो आप दो ले लें, और दो एक ही जैसे एक ले ली और एक इसको ले लें, दोनों की सहायता से आप दोनों साइड से सेक लें पलट पलट के। देख तो देखिए मेरी गुजिया रेडी हो गई है। देखिए ये वो गुजिया है जो मैंने हाथ से बनाई थी कांटा से, देख सकते हैं। तो देखिए आप आज सुन सकते हैं गुजियों की, गर्म है थोड़ा, ठंडे होने के बाद थोड़े और। तो देखिए आप देख सकते हैं पूरी गुजिया भरी हुई है, देख सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।